अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आज आपके सामने एक बड़ी खुशखबरी पेश कर रहा हूँ। वो यह है कि हुकूमत महाराष्ट्र ने एक तालीमी सरगर्मी शुरू की है जिसका नाम है स्वाध्याय। पहले यह सरगर्मी मराठी मीडियम के लिए शुरू की गई थी जिसमें 14 लाख बच्चे हिस्सा ले चुके हैं माशाल्लाह। अब ये तालीमी सरगर्मी उर्दू मीडियम के लिए भी शुरू की गई है, जिसके लिए मैं हुकूमत महाराष्ट्र का अपने समीम कल्ब के साथ शुक्रिया बजा लाता हूँ और इस तालीमी सरगर्मी का खैर मकदम करता हूँ। अब ये तालीमी सरगर्मी है क्या? स्वाध्याय, इसकी लफ्जी मानी होते हैं सेल्फ स्टडी, यानी आपको ज़ाती तौर से पढ़ाई करना है व्हाट्सएप के ज़रिए। वैसे इसका लॉन्ग फॉर्म होता है स्टूडेंट व्हाट्सएप बेस्ड डिजिटल होम असेसमेंट योजना। इस तालीमी सरगर्मी के ज़रिए से आप घर बैठे स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि COVID-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आप स्कूल नहीं जा पा सके, जिससे आपको पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है और किसी न किसी तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसकी भरपाई करने की कोशिश कर रही है। और इस पहल का पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, यानी बैनुल-अक़वामी लेवल पर इसकी तारीफ़ की गई है। फोर्ब्स जैसी मैगज़ीन ने भी इस पहल की तारीफ़ की है। तो इस सरगर्मी में आपको व्हाट्सएप के ज़रिए से एजुकेशन दी जाएगी, यानी आपको होमवर्क दिया जाएगा। अभी तो ये सिर्फ मैथ्स के लिए है, आगे आपको 18 जनवरी से तमाम लैंग्वेजेस के लिए भी शुरू कर दिए जाएंगे। 2 जनवरी से उर्दू के लिए शुरू की गई है। आपको 10 सवाल दिए जाएंगे मैथमेटिक्स के, और 10 सवाल के जवाब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्लिक करना है, और सही जवाब अगर आपने दे दिए या गलत दिए तो उसको टेली भी करना है, क्योंकि उसके साथ एंसर शीट भी आएंगी आपको। लेकिन इस सरगर्मी से आप कैसे जुड़ेंगे मैं आपको बताऊंगा कैसे जुड़ेंगे। तो जैसे जैसे मैं बताता हूँ आपको, उस सरगर्मी से जुड़िए, स्वाध्याय से जुड़िए व्हाट्सएप के ज़रिए से। 10 सवाल आपको हर हफ्ते पूछे जाएंगे। तो चलिए जुड़ते हैं स्वाध्याय से। लेट्स हैव अ फन विद स्वाध्याय, यानी सेल्फ स्टडी। चलिए सबसे पहले हम व्हाट्सएप नंबर सेव करेंगे स्वाध्याय का, 85 95 52 45 19, और इसको सेव कर लेंगे स्वाध्याय के नाम से। यहां लिखेंगे स्वाध्याय, सेव करने के बाद व्हाट्सएप में जाएंगे, व्हाट्सएप में लिखेंगे स्वाध्याय। ये आ गया यहां पर। इसके बाद हम इसमें हेलो टाइप करेंगे, हेलो सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद हम इस तरह आएंगे कि आपको कौन सी मीडियम में स्वाध्याय से जुड़ना है। मराठी 1 पर है, 2 पर सेमी इंग्लिश है, 3 पर उर्दू है, तो हमको 3 टाइप करना है। 3 टाइप करके सेंड कर देंगे, हमारा मीडियम सेलेक्ट हो जाएगा। हम दोनों में से हमको एक सेलेक्ट करना है, तो हमको तमाम शरायत मंजूर है, मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ। तो एक टाइप करेंगे, सेंड कर देंगे। फिर इसके बाद हमको ज़िला सेलेक्ट करना है। ज़िला हमारा वाशिम है, इसमें 36 ज़िले दिए गए। 36 ज़िले में से आपको आपके कौन से ज़िले हैं उसमें सेलेक्ट करो और नंबर टाइप करना है आपको। नंबर हमारा 35 है, तो 35 हमने सेलेक्ट किया, सेंड कर दी। फिर तालुक का सेलेक्ट करेंगे, तालुक का हमारा 1 नंबर पर है, तो 1 नंबर टाइप करके सेंड कर देंगे। फिर जमात कौन सी आपकी, यानी क्लास कौन सी जमात से ताल्लुक रखते हैं, तो मेरी लड़की 6 में है, तो सिक्स क्लास लिख लेंगे आप टाइप करके। फिर तालिब इल्म का नाम लिखेंगे यहाँ पर, मुनज्जा फिरदौस। फिर आपको यूडाइस नंबर लिखना है स्कूल का, अगर वो नहीं मालूम है तो आप 0 भी लिख सकते हैं, 0 टाइप करके सेंड कर देंगे। फिर आपको
डिवाइस कोड बाद में अपडेट करने के लिए दो, बाद में हमको डिवाइस को अपडेट करना है तो दो टाइप करके लिख लेंगे। फिर आपका इंद्राज हो गया है, होमवर्क शुरू हो गया है। यहाँ पर आप दूसरे तालीम यानी घर के दूसरे बच्चे को भी आप दो टाइप करके फिर उसका नाम लिखकर उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो उसके बाद देखिए दो टाइप करते हम दूसरे तालिब इल्म को जोड़ते और उसमें लिखते हैं कौन सी जमात में है वो, चौथी जमात में है दूसरा तालिब इल्म, चौथी जमात में है, उसका नाम लिखें खंसा फिरदौस। फिर यूडाइस नंबर मालूम ना हो तो जीरो टाइप करेंगे, फिर उसको अपडेट बाद में करना है तो दो टाइप करेंगे। उसका भी इंद्राज हो गया हो चुका है, दो बच्चों का इंद्राज हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब कौन सा बच्चा आगे मश्क आगे हल करना चाहता है उसका नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर मुनज़्ज़ा मुनज़्ज़ा एक प्रेस की हमने, अब आपकी मश्क शुरू हो चुकी है तो हाँ के लिए आपको मश्क शुरू रखना है तो हाँ के लिए एक दबाइए, अगर नहीं करना है बाद में करना है तो आपको बाद में लिखना है तो हाँ एक टाइप करेंगे। फिर अभी टाइप करने का मरहला शुरू हो चुका है, मतलब सवालात 10 सवालात जो मैंने आपको बताए थे वो 10 सवालात आ चुके हैं। हाँ पहला सवाल है सिफर को छोड़कर तमाम तबी आदात का मजमुआ यानी, तो एक टाइप करेंगे गिनती की आदात, दूसरा सवाल है दिए हुए आदात के मजमुए में गिनती की आदात का मजमुआ कौन सा है, दो तीन चार पांच, तो तीसरा जवाब सही है। सही आदात का मजमुआ यानी दिए हुए तमाम चौथा जवाब सही है। दर्ज ज़ैल में से दुरुस्त बयान कौन सा है, हर मजबूत आदत सिफर से ज्यादा होता है, सिफर हर मनफी आदत से छोटा होता है, हर मजबूत आदत हर मनफी आदत से बड़ा होता है, सिफर के बाएं तरफ का आदत सिफर से छोटा होता है, तो हर मजबूत आदत हर मनफी आदत तीसरा जवाब सही है, तीसरा लिखी। दर्ज ज़ैल में से गलत बयान कौन सा है, इसमें से तीसरा जवाब सही है। प्लस वन प्लस वन प्लस इसका फाइव जवाब आएगा क्योंकि सब प्लस है, तो तीसरा जवाब सही आएगा इसका। माइनस थ्री इसका चौथा जवाब सही आएगा। इसका पहला जवाब सही आएगा, इसका तीसरा जवाब सही आएगा। इसका चौथा जवाब सही आएगा। इस तरह हमने 10 में से 10 सही जवाब दिए, लेकिन अगर हमने अगर 10 में से सही जवाब 5 आती है 6 आते हैं 4 आती है तो ये आंसर की भी आती है इसके साथ में, तो आंसर की से मालूम कर सकते हैं कि हमने कौन कौन से सवालात गलत किए, तो सही उसमें से हमको इंतखाब करके लिखना है और देखना है कि हमारी कहाँ गलती हुई। अब आगे अगर और बढ़ना चाहते हैं तो बढ़िए, हाँ के लिए अगर आप मश्क करना चाहते हैं तो एक टाइप कीजिए और नहीं करना चाहते हैं दो टाइप कीजिए, तो हमको आप दो करना है अभी नहीं करना है हमको, तो दो टाइप करके सेंड कर देंगे। और अगर फिर से मश्क शुरू करना है या दूसरे बच्चे को शुरू करना है तो हेलो टाइप करके अपनी मश्क दोबारा शुरू कर सकता है। तो ये था अपना वीडियो जिसके ज़रिए से हम घर बैठे ऑनलाइन सौदे के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं। इसके बाद लैंग्वेजेस की भी शुरू होने वाली 18 जनवरी से, आप जुड़े रहिए बने रहिए शाहनवाज़ एनिफ खान चैनल पर। शुक्रिया।